चंद्रयान वन के निर्देशक एम अन्नादुरई ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर मौजूद बाधाएं लैंडर विक्रम को सिग्नल प्राप्त करने से रोक रही हैं। दोस्तों, हमने लैंडर को चांद की सतह पर पता लगा लिया है। अब हमें इसके साथ संपर्क स्थापित करना होगा। जिस जगह पर लैंडर उतरा है वह सॉफ्ट लैंडिंग के लिए अनुकूल नहीं है। वहाँ कुछ बाधाएं हो सकती हैं जो कि हमें उससे संपर्क स्थापित करने में रोक सकती हैं। साथ ही उन्होंने कहा, पहले चंद्रयान के ऑर्बिटर्स ने संपर्क साधने के लिए लैंडर की तरफ सिग्नल भेजे, लेकिन मौजूदा हाल में यह देखना होगा कि वह सिग्नल पकड़ पाता है या नहीं। ऑर्बिटर और लैंडर के बीच हमेशा दो तरफा संचार होता है, लेकिन हम एक तरफा संवाद करने का सफल प्रयास कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि संचार 5 से 10 मिनट से अधिक के लिए नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा, यह एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक इसे संभालने में काफ़ी सक्षम हैं। वहीं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से संपर्क बहाल करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि समय निकलता जा रहा है और संपर्क बहाल होने की संभावना कम होती जा रही है। इसरो प्रमुख के सिवन ने शनिवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी 14 दिनों तक लैंडर से संपर्क बहाल करने की कोशिश करेगी।